दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। एक यूनिक सा वीडियो है डॉज कॉइन के बारे में, जैसे कि एक अनटोल्ड स्टोरी जिसे थंबनेल पर मैंने लिखा है। तो क्या है ये अनटोल्ड स्टोरी जो आपको अभी तक बताई नहीं गई है? तो यहाँ पर मैं इसको बताऊँगा, विथ प्रूफ दिखाऊँगा, क्योंकि हवा में बात हमारे चैनल की ओर से नहीं की जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, काफ़ी काम की जानकारी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो डॉज कॉइन की छोटी सी अपडेट है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं प्योर टेक्निकल एनालिसिस आप तक पहुँचाता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पर आपका ध्यान ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं आता है ट्रेडिंग में तो अर्निंग नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। फंडामेंटली कभी उसका तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कब डॉज कॉइन लॉन्च हुआ था? तो डॉज कॉइन लॉन्च हुआ था 2013 में। ये देखिए, 1 दिसंबर 2013 को एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए आया था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये, अगर यहाँ पर आप पूछोगे तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको ये किस एक्सचेंज का चार्ट है। ये है बिट्रेक्स एक्सचेंज का चार्ट। बिट्रेक्स एक्सचेंज यूके बेस्ड एक्सचेंज है और काफ़ी पुराना है, काफ़ी ट्रेडिंग की है मैंने इस पर, काफ़ी ट्रेडिंग की है, और आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे पहला एक्सचेंज यही था जिस पर मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट की थी, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज था मेरे लिए। इनकी बात करते हैं तो ये काफ़ी पहले से यहाँ पर लिस्टेड है। यूएसडी का पेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मंथली चार्ट को मैंने लिया हुआ है ताकि चार्ट पर आपको डेटा पूरा दिखाई पड़ सके, तभी तो बताऊँगा ना कि वो अनटोल्ड स्टोरी है क्या जो कभी आपसे बताई नहीं गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस रॉकेट बन गया, क्योंकि 2013 में 2 महीने ही ये अप ट्रेंड में रहा था और उसके बाद ये डाउन आ गया था। देखो ये एक मजाक में टोकन बनाया गया था, और इस पर ये बनाया इसलिए गया था कि इसके जो फाउंडर्स थे वो बिटकॉइन का मजाक उड़ाना चाहते थे, क्योंकि बिटकॉइन भी उससे 2 साल पहले ही लिस्टेड हुआ था, तो उसका मजाक उड़ाने के तौर पर उन्होंने यहाँ पर डॉज कॉइन को क्रिएट कर दिया था। डॉज कॉइन मतलब एक कुत्ते का नाम ले लिया था डॉज कॉइन, और उसके बाद जो उसकी जो ब्रीड थी वो जापानी थी, शिबा इनू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मजाक के तौर पर बनाया गया था, उनको खुद ये चीज़ नहीं मालूम थी कि ये इतना बड़ा स्पाइक बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मजाक में क्या हो गया, अब दिखाता हूँ कि अनटोल्ड स्टोरी। तो यहाँ पर मैं चार्ट को श्रिंक कर गया, यहाँ से जो लेवल्स मैंने प्लॉट किए वो कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ रेड बॉक्स आपको दिख रहे हैं, कुछ ग्रीन बॉक्स दिख रहे हैं। तो जो ग्रीन बॉक्स हैं वो प्राइस के अप, जब प्राइस अप गया था तो कितने परसेंट अप गया था वो बता रहे हैं। जो रेड बॉक्स हैं, प्राइस जब डाउन आया था तो कितना डाउन आया था वो बता रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस इस तरह से इतना ऊपर गया, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ गेन कितना है? लगभग 1263% यानी 1263%। अब यहाँ पर चलो ठीक है, ये चीज़ हुई, जब स्टॉप से गिरा तो ये जो बॉक्स मैंने क्रिएट किया ये यहाँ से यहाँ तक है, मतलब जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो इसमें गिरावट कितनी हुई आप देखो, यहाँ पर गिरावट हुई, यहाँ पर तो ये देखो ये अपसाइड हुआ था, ये इसने गिरावट की लगभग 96% की, यानी अपने इस हाई से ये 96% नीचे आया, ऑलमोस्ट 97% समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा राइज लगा, 2017 का जो बुल रन था उसमें भी इसका प्राइस स्पाइक हुआ, बुल रन की वजह से, क्योंकि होल सोल क्रिप्टो करेंसी मार्केट वहाँ पर एक अप ट्रेंड बना रही थी, बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया था, जाकर बनाया था, तो यहाँ पर इसने भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने परसेंट कितना परसेंट का गेन हुआ था, यहाँ पर आप देखो कि 9131% यानी 9131%। अब देखो वहाँ से उस टॉप से ये कितना गिरा, उस टॉप से ये गिरा लगभग 92%, ठीक है। उसके बाद फिर इसने 2020 और 2021 तक एक हाई बनाया, ये जो अभी आपके सामने है, और इसी हाइप की वजह से, इसी जो इतना ज़बरदस्त हाई इसने मारा जो कि लगभग यहाँ पर 32,818% का था, यानी 32,818% का, तो इसको देखकर काफ़ी लोग इंटर हुए मार्केट में, अरे भाई डॉज कॉइन ने तो करोड़पति बना दिया रातों रात, इस तरीके की बातें हुई, आपको मालूम नहीं था क्रिप्टो करेंसी क्या है, आप इंटर हो गए। तो डॉज कॉइन, अब देखो यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर मैं लॉजिक बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये इस टॉप से 97% डाउन आता है तो प्राइस हम क्या प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो लगभग अगर देखोगे तो देखो यहाँ पर इस तरीके की अपडेट आपको किसी ने नहीं दी होगी, ये गारंटी है। यहाँ पर देखो प्राइस आपको दिख जाएगा 0.1 सेंट, यानी अगर इसके बाद का जो फिगर है वो 9 है तो इसको अगर हम राउंड फिगर मानेंगे तो 0.2 सेंट, 0.2 सेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये हाई है ना, ये भी वही था, 0.02 सेंट। तो यहाँ पर दोस्तों लॉजिक समझ में आया मेरा, कि देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जब इसने ये हाई बनाया था तो इस हाई से ये 96% गिरा था, जब इसने 2017 में हाई बनाया था तो वहाँ से अपने ऑल्ट मतलब जो अपने हाई था उसके हाई से ये गिरा था 92%,
यानी ऑलमोस्ट ये अपने हाई से 92% से 97% तक करता है नीचे गिरावट। ठीक है, अब देखो इसने ये हाई बनाया है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि 97% गिर सकता है, तो इस अपने पिछले ऑल टाइम हाई को जाके टेस्ट कर सकता है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने है ये चीज़। तो चलो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो पसंद आया होगा, समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की है। देखो यहाँ पर डॉज कॉइन की स्क्रिप्ट उठाई है, लेकिन आपको ट्रेडिंग सिखाने का एक सिस्टम बताया है कि बैक हिस्ट्री कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, टेक्निकल एनालिसिस कितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। चार्ट आप देखते हो, आपको चार्ट, आप कभी ट्रेडिंग वगैरह करते नहीं हो तो आपके चार्ट बाउंस होता है, आपके दिमाग से चार्ट बाउंस होता है, तो आप सोचते हटाओ इसको ना देखो, जो मुँह से बात कर रहा ना, सामने बैठ के कहानी सुना रहा है उसकी बात सुनो, वो ज़्यादा अच्छा बताएगा। नहीं मेरे भाई, सर्वाइव करना है अगर मार्केट में, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स में, ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर बोलता हूँ और बोल बोल के मैं थक गया हूँ, लेकिन यही फैक्ट है, ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो इजाज़त दो, नेक्स्ट किसी ऐसे ही यूनिक कंटेंट के साथ मिलता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।